आगे बढ़ते हैं। पन्ना और सागर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के मामले सामने आए हैं। पन्ना में जहां नसबंदी कराने आई महिलाओं को जबरदस्त ठंड में जमीन पर ही लिटा दिया गया, तो वहीं सागर में जर्नी वाहन न मिलने से ऑटो में ही महिला की डिलीवरी हो गई। रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें उन वादों की पोल खोलने के लिए काफी हैं, जो सूबे में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का है। भले ही सूबे की सरकार बदल गई हो, लेकिन मरीजों की जान से खिलवाड़ बदस्तूर जारी है। कहीं नसबंदी कराने आई महिलाओं को अस्पताल में बेहतर नसीब नहीं होता, तो कहीं ऑटो में ही महिला की डिलीवरी हो जाती है। लापरवाही की पहली तस्वीर पन्ना की है, जहाँ ये महिलाएं अस्पताल में आई तो नसबंदी का ऑपरेशन कराने हैं, लेकिन उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो शर्मनाक है। इन महिलाओं को जानवर की तरह एक कमरे में ठूस दिया गया, वहीं इस प्रचंड ठंड में कंबल और रजाई तक मुहैया नहीं कराई गई। यहाँ व्यवस्था क्या, नीचे लिटाए हैं कि पलंग पे? नीचे। नीचे हाँ। ये गद्दे यहीं से मिले हैं कि घर से लेके आए? घर से ले आए। घर से मिले हैं, बिछाए हैं। घर से सब लेके आए? नीचे बैठा है। उड़ाने के लिए? हम घर से ले आए। घर से लाए? यहाँ व्यवस्था नहीं है। अरे भाई नहीं है, पकड़। ऑपरेशन के लिए आई महिलाएं तो परेशानी का सामना कर ही रही हैं। उनके साथ आए परिजनों को भी दुश्वारियों से दो चार होना पड़ रहा है। मामले की जानकारी जब जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई, तो उन्होंने वही रटा रटाया राग अलाप दिया। इसके संबंध में यह है कि पहले तो CMHO से बात करना पड़ेगी कि भाई अस्पताल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, और यदि कोई गंभीर बात है तो उसका निराकरण करना हमारी प्राथमिकता में रहेगा। सभी DMO को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि ठंडियों के हिसाब से सब व्यवस्था करें, हर मरीज को बिस्तर देवें, और यदि आपके नॉलेज में ये हमें जो दे रहे हैं बातें बता रहे हैं ऐसा कुछ है, तो हम अपने जिला परिवार कल्याण अधिकारी को बोल के यह व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं कि ऐसा न हो पाए। चलिए अब आपको सागर ले चलते हैं। यहाँ की तस्वीर भी कोई जुदा नहीं। किसी गर्भवती महिला को जननी योजना का लाभ तक न मिल सके तो स्वास्थ्य विभाग के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। अस्पताल में बेड पर लेटी इस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। जानकारी देने के बाद भी जननी वाहन गढ़ाकोटा के गांव गुजोरा नहीं पहुंच सकी। मजबूरन महिला को ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन देरी हो जाने से ऑटो में ही महिला की डिलीवरी हो गई। काय में ला रहे थे? जननी सुरक्षा को बुलाया था आपने? जननी सुरक्षा को बुलाया। कितनी देर आपने वेट किया? आई नहीं फिर जननी सुरक्षा? लापरवाही की ये तस्वीरें कोई नई नहीं, प्रदेश के हर हिस्से से ऐसी तस्वीरें सामने आती ही रहती हैं। सवाल ये कि आखिर इस लापरवाही का इलाज कब होगा, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आखिर कब नसीब होंगी। सागर से नितिन भट्ट के साथ विकास सेन, न्यूज़ स्टेट, पन्ना।